हेलो माय डियर सब्सक्राइबर्स एंड कनेक्शंस इफ यू आर अपडेट अगर मार्केट में अभी क्या चल रहा है जॉब के रिगार्डिंग तो मैं आपको बता दूं एक लेटेस्ट न्यूज रिसेंटली पेटीएम हैज फायर्ड नियरली अबाउट वन थाउजेंड एम्प्लॉयज टेन परसेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉयमेंट पहले तो एक चीज मुझे पता ही नहीं होता है अगर इनको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पता नहीं आता है एम्प्लॉय को पे करने का ताकत नहीं है तो ये फिर हायर करते हैं क्यों है बिकॉज वन सिंगल एम्प्लॉय वन दे लॉस्ट देर जॉब इट इज नॉट ओनली एफेक्टिंग वन इंडिविजुअल वो पूरे फैमिली को अफेक्ट होता है इमेजिन एक एम्प्लॉय इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम टू द फैमिली एंड उसका जॉब चला गया उसको फैमिली को कितना मेंटल स्ट्रेस और किस ट्रोमा से जाना पड़ता है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तो कंपनीज को समझना चाहिए कि अगर वो पैसा दे सकते हैं तभी ही हायर करो एंड फायर मत करो स्पीकिंग प्रोसाइसली पेटीएम ने ले ऑफ क्यों किया तो उन्होंने बोला है कि ड्यू टू ए आई ऑटोमेशन वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को ए आई ऑटोमेशन से रिप्लेस कर रहे हैं बहुत अजीब ही चीज़ है एक हज़ार एम्प्लॉयज़ गेटिंग रिप्लेस फॉर दिस ऑटोमेशन इट इज़ रियली समथिंग दैट वी नीड टू थिंक अबाउट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो वन थाउजेंड एम्प्लॉइज़ ले ऑफ हुए हैं इससे उनका टेन टू फिफ्टीन परसेंट कॉस्ट स्टाफ कॉस्ट का रिडक्शन होगा जिसमें से वो कुछ पैसा बचाएंगे एंड uh, शायद कंपनी को अभी उसकी ज़्यादा ज़रूरत है बट ले ऑफ इज़ नॉट द सोल्यूशन यू नीड टू थिंक ऑफ समथिंग अल्टरनेटिव बिकॉज सो मेनी फैमिलीज आर बींग अफेक्टेड स्टेट यून विथ मी डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट अपडेटेड विथ सच लेटेस्ट न्यूज एंड अगर आप एग्री करते हैं मेरे साथ तो आपका आइडियाज एंड थाट्स कमेंट बॉक्स पर जरूर डालिएगा थैंक यू ऑल